जी माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क की वजह से डिस्टर्ब हो गया था। मैं फिर हाजिर हूँ और फिर से अगर आप रिपीट कर सके हमजा हिंद साहब कि कट्टर वाली और भी बहुत से क्वेश्चन थे, अगर आप लोग देख सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे वहाँ से क्वेश्चन को वहाँ से कॉपी करके यहाँ एक बार फिर देने की कोशिश करें। मुझे लगता है नेटवर्क की वजह से मैं डिसकनेक्ट हो गया था। बहरहाल, तो पसमानदा पे कट्टरता का इल्ज़ाम लगाना सही नहीं। हमने कहा कि आप इस पार्टिकल्स पे इस बात का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि अपने भाइयों को मार रहा है। ये खेल है जिसमें पसमानदा को फंसा के रखा गया। हमें मदरसे में ले जाके या ऐसे भी जुमे के खुतबे में या ऐसे भी हमें ज़हनी एतबार से भारत सरकार के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सांप्रदायिक एतबार से कट्टरता हमारे अंदर पैदा की जाती है, हमको समझाया जाता है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि हम इनके समझ में आ भी जाते हैं। हम इस बात को समझ लेते हैं लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है बाहर निकलने का। हमारी हालत उन रोम के गुलामों की तरह है, बस वो खेल में एक दूसरे को मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। जी थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो गया तो मुझे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। अगर किसी के पास क्वेश्चंस हैं तो कृपया करके हमें जो है इनबॉक्स करें, कमेंट में करें, मैं वो क्वेश्चन ले लूं। मैं अपनी बात कह चुका हूं, मैं चाहता हूं कि आप सबके क्वेश्चन भी एक करके आ जाएं। जी जी माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से। यहाँ चूँकि बारिश हो रही है और थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। बात तो मैं कह ही चुका हूँ, तो क्वेश्चंस अगर मुझे मिल जाते उस पोस्ट से, ये वो तो वो लाइव तो हमें लग रहा है सेव हो गया शायद। यहाँ अगर वहाँ से अगर जो लोग सुन रहे हैं वो अपना अपना क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दें तो मैं अपनी बात रख सकता हूं। मैं समझता हूं कि 10-15 मिनट का और वक्त है। क्या मौजूदा सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है? जी हां, ये एक सवाल आया है कि मौजूदा सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है। देखिए, ये बात पूरी तरह से जो ये भी एक अशराफ ने एक हवा खड़ा कर रखा है कि मुस्लिम विरोधी है। इसका मैं जवाब दे चुका हूँ कि पसमानदा भी तो कट्टर होते हैं, तो अशराफ पर गुस्सा करें। देखिए, पसमानदा का कट्टरता जो है वो अशराफ पैदा करता है, अशराफ उनको अपनी सिपाही बना के तैयार करता है, जुमे के खुतबे से लेके इनकी पब्लिक टॉक से लेके इनकी टेबल टॉक तक में यही बात आती है कि सरकार हमारे खिलाफ है, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है, बहुत जुल्म हो रहा है हमारे पर, मुसलमानों पर बहुत, ये सब कह के ये हमको समझा बुझा लेते हैं। ऐसा नहीं कि पसमानदा को बात समझ में नहीं आती, पसमानदा में जागरूक लोग हैं इस बात को समझ जाते हैं, लेकिन पसमानदा चूँकि वो पसमानदा क्या है, गुलाम है इस पार्टिकस टाइप का कि वो रोमन में जैसे खेल चलता था गुलामों के बीच में, कि उस गुलाम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था सिवाय अपने सामने वाले को मारने के, अपने गुलाम भाई को मारने के। तो इस तरह का ये कट्टरता है इनको। तो अशराफ पे गुस्सा नहीं है, अशराफ चूँकि जालिम है, जुल्म करता है, उसने यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल के ऊपर जुल्म किया, इस्लाम के ऊपर जुल्म किया, अब हमारे ऊपर भी जुल्म कर रहा है और सदियों से कर रहा है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा एक सवाल था कि क्या मौजूदा सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है? मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, मुस्लिम विरोधी नहीं है। उस तक बात जो है मुस्लिम विरोध का क्या मतलब होता है, आप अशराफ और मुस्लिम, अशराफ और पसमानदा करके देखिए। तो आज भी अशराफ इस सरकार से तुष्टिकरण करा ले रहा है, मंत्री बन के बैठा हुआ है। अशराफ के बहुत से लोग मंत्री हैं, प्रदेश जहाँ जहाँ सरकारें इनकी बनी हुई हैं। अगर मंत्री नहीं भी है तो आप देखेंगे जो अदर संगठनें होती हैं जो सरकार में जो मेंबर्स वगैरह, वहाँ भी आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। तो अशराफ का तो काम हो रहा है, उनका जो सत्ता में भागीदारी है वो सुनिश्चित ही है। और जहाँ तक पसमानदा की बात है तो पसमानदा कांग्रेस से लेकर जितनी सरकारें हैं सब में किसी ने पसमानदा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो चूँकि हमारे हालात अच्छे नहीं होते हैं तो अशराफ इस बात को हमें समझा ले जाते कि हाँ भाई सरकार ही तुम्हारे खिलाफ है, भाईजान तो बहुत कर रहे हैं। देखो भाईजान एक ज़माने से MLA MP बने हुए, भाईजान वहाँ आवाज़ भी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सरकार ही तुम्हारे खिलाफ है। तो हम बहुत आसानी से सरकार के खिलाफ तैयार हो जाते हैं और इस तरह से इन्होंने हमें सरकार के खिलाफ तैयार कर रखा। इवन सरकार के खिलाफ नहीं, भारतीय संविधान के खिलाफ, भारत के जो न्याय प्रणाली है उसके खिलाफ ये सब हमें हमारी जहन साजी करके रखे हुए, सेटअप करके रखे हुए हमको, और एक बड़ी आबादी को ये अपना
फूड सोल्जर बना के रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकारें कर रही हैं, सरकार से कोई वो है, सरकार से लोकतांत्रिक रूप में अगर हमें कोई शिकायत है तो हम उस बात को रख सकते हैं और हम रखेंगे भी, जैसे 341 धारा है, बहुत सी सरकारें हैं। लेकिन सबसे पहले जो मुस्लिम संगठन है वहाँ तो सामाजिक न्याय हो, खाली कहने से थोड़ी होगा। ये दोनों सवाल का जवाब हो गया। सबसे पहले हमको अपने क्या है नमोन जाति सोच नाम हटा देना चाहिए, ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमको अपने नामों से जाति सूचक नाम हटा देना चाहिए। देखिए मैं ये एक अलग इशू हो गया, ये हमारे टॉपिक से बहुत है कि जाति सूचक आप कोई अंसारी लिख रहा है, कोई मंसूरी लिख रहा है, तो जाति सूचक एक अलग मसला है, इस पर फिर कभी हम बात करना पसंद करेंगे। क्या आप अशराफ पसमांदा के बीच लड़ाई करवाना चाहते हैं? देखिए लड़ाई तो देखिए ऐसा है, अगर आप ग़ुलाम हैं और आप ग़ुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं तो जिसने आपको ग़ुलाम बना के रखा है तो उसके ख़िलाफ़ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब ये लड़ाई जो है ज़रूरी लड़ाई है, ये मैं समझता हूँ कि अगर हम ना लड़ेंगे तो मरेंगे फिर, जैसे सदियों से मरते चले आ रहे हैं। तो हर आदमी को, हर इंसान को अपनी जान बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ने का हक हासिल है, ताकि उसके बच्चे भी फले फूले, हमारे भी शासन प्रशासन सत्ता में भागीदारी बने, हम भी राष्ट्र की मुख्यधारा में आएँ। तो अगर ये इसकी कोशिश करने को आप लड़ाई का नाम देना चाहते हैं तो लड़ाई ही सही। तो हम इसकी कोशिश कर रहे हैं अपने अप्लीमेंट करने के लिए, और जो हमारा उत्पीड़क है, जो हमारा ऑपरेशर है, उसकी तो हम कहेंगे ही, ये कुरान भी हमें हक देता है, अल्लाह उसका रसूल हमें हक देता है। तो ये लड़ाई ज़रूरी लड़ाई है और इसे तो लड़नी पड़ेगी, वरना जो है हम सदियों से ग़ुलाम हैं, आगे भी हमारी पीढ़ियाँ ग़ुलाम रहेंगी। हेजिया सोफिया का फ़ैसला गलत कैसे है? देखिए एक ये हेजिया सोफिया तुर्की का मसला क्या है, वहाँ भी धार्मिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना बहुत फल फूल रही है, उसी परिकल्पना को ये यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो मिसाल दे दे के अक्सर देखेंगे कि ये अशराफ जो है लोकल इश्यूज़ पे बात नहीं करेगा, पसमानदा के शिक्षा की बात, उसके स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा। वो हमेशा कहेगा कि देखो ईरान में ये हालात चल रहे हैं, सऊदी में ये चल रहा है, तुर्की में ये चल रहा है। और पसमानदा को जो आप देखेंगे, पसमानदा चायखाने में भी अरब पे बहस करता मिल जाएगा, आपको जो है ईरान पे बहस करता मिल जाएगा, तुर्की पे बहस करता मिल जाएगा, लेकिन वो कभी अपने पड़ोस की झोपड़ी में उसकी जो पसमानदा बहन रह रही है, उसकी जो पसमानदा समाज रह रहा है, उसका जो नट है, धोबी है, मेहतर है, हलालखोर है, इस पर कभी पसमानदा को बात करते हुए नहीं देखते हैं। ये देखिए ये हमारे हमारे जो है दिमाग को किस तरफ मोड़ते हैं। इसलिए उर्दू अखबार भी देखेंगे तो उनके 3-4 पन्ना विदेशी खबरों से भरा रहता है कि सऊदी में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो ये वो बताने की धार्मिक सांप्रदायिकता और धार्मिक जो कट्टरता है उसी को और मजबूत करने के लिए इस तरह की बाहर की चीज़ें, या हेजिया सोफिया तो एक अभी आ गया, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको मिसाल के तौर पे मिल सकती हैं। क्या पसमानदा आंदोलन अंसारियों का संगठन नहीं बन गया है? अंसारी सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं और मुस्लिम समाज में फूट डाल रहे हैं। देखिए फूट डालने वाली बात तो बिल्कुल सही नहीं है, इस पर मेरा एक आर्टिकल है कि जो है हर सवाल का, ये जो सवाल है फूट डालने वाला, तो हर सवाल का सवाल ही जवाब है। भाई आपने हमें जो है वकार साहब जो हमारे महासचिव हैं आंदोलन को इस वक्त लीड कर रहे हैं, उन्होंने इस पे कहा था कि भाई समाज में फूट नहीं है, कयादत की फूट की बात है, कयादत के बंटवारे की बात चूँकि कर रहे हैं इसलिए हम गलत हो जा रहे हैं। अब चूँकि कयादत इन्हीं के पास है, अशराफी लीड कर रहा है, हमें फूड सोल्जर बनाया, तो ये नहीं चाहता कि जो हमारे फूड सोल्जर हैं जो ग़ुलाम हैं वो हमारे साथ कुर्सी पे बराबर बैठे, वो नीति निर्धारित करें, वो जहाँ कानून बनते हैं वहाँ जाएं, तो उसको रोकने के लिए, तो इसलिए ये फूड डालो की बात है। जैसे वो एक मिसाल के तौर पर बात की जाती कि एक भाई है, उसने कहा कि भैया हमें भी दे दीजिए, वो बड़े घर में वो रहते हैं, छोटे घर में ये रहता है, दुकान के मालिक वो हैं, ये दुकान पे नौकर की तरह काम करता है। तो इसने जब कहा कि भैया ऐसा है कि जो है हमें दे दीजिए जगह, इन्होंने कहा कि साहब ये घर बांटने की बात कर रहे हैं, ये है फलाना ढिमकाना है। तो छोटे भाई ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, बड़े घर में हम कल से हम रहेंगे, दुकान के मालिक हम हो जाएंगे, दुकान पर आप काम कीजिए। तो कह रहे हैं कि ऐसा है बाबू, बंटवारा तो होता ही है, चलो हम लोग बैठ के हिस्सा बाँट लें। तो जब इनसे इनकी फूट डालने की जो बात है, मैं अंसारी पे भी आता है, इनकी जो फूट डालने की जो बात है उसको आप ऐसे देख लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 350 का 90% कितना हो जाएगा, हैं?
270 से ज़्यादा हो जाएगा उतने आप पसमानदा को रख दीजिए, हम आलिम भी आपको दे देंगे, वकील भी आपको दे देंगे, और फिर आप कहिए कि मुसलमान एक हैं, तब हम आपकी बात मान लेंगे। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि साहब ये फूट डालने की बात कर रहे हैं, हमारे हक अधिकार आप दे दीजिए, बात ख़त्म है। आप जितने मुस्लिम संगठन हैं उसमें पसमानदा की आबादी की, अभी आपने जो सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाया 8-10 मेंबर बनाए उसमें कितने पसमानदा को रखे, अगर हम उसमें भागीदारी की बात करें तो फूट डालना है, तो फूट डालना ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है, अपनी बात को हमारी बात को झूठ साबित करना, अपनी बात को सच साबित करना है। देखिए जहाँ तक आंदोलन अंसारियों का संगठन नहीं बन गया है, अंसारी सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलन चला रहे हैं। देखिए सिर्फ अंसारी तो है नहीं, इसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। अभी फिरोज मंसूरी साहब का यहाँ कमेंट्स आपने देखा, वकार हवारी साहब खुद जो है कोरी से नहीं आते हैं, तो वो अंसारी बिरादरी से नहीं आते हैं, लेकिन अंसारी पहले से जो ये लगे हुए हैं और एक बड़े सामाजिक एतबार से और बहुत बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। तो जो आंदोलन को जैसे OBC का आंदोलन है उसको यादवों ने लीड किया, फिर उसमें कुर्मी भी आए, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई OBC का आंदोलन यादवों का आंदोलन है। तो इस तरह के इल्ज़ाम आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए लगते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और पसमानदा आंदोलन में है तो इसको भी मैं बुरा नहीं समझता हूँ कि अगर वो राजनीतिक अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है समाज के और ख़ुद राजनीतिक एतबार से वो आगे आता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि जो मेहनत करेगा वो पाएगा। और इससे मैं समझता हूँ कि जो संगठन से जुड़े लोग हैं उनकी बराबर कोशिश रहती है कि नट धोबी मेहतर हलालखोर भंगी सब लोग वो आए। और देखिए जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है आसिम कबीर से लेके आसिम बिहारी से लेके इकबाल अंसारी जो पसमानदा पहल के संपादक हैं, ये सब आप देखेंगे सब कोरी बिरादरी से हैं। कबीर भी कोरी थे, आसिम बिहारी भी कोरी हैं, इकबाल अंसारी भी कोरी हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो अशराफ की तरफ से हमला हुआ वो दो बिरादरी पे, एक अंसारियों पे, एक कुरैशियों पे, यानी कोरी जिसको बुनकर कहते हैं, दूसरा जो कसाई होते हैं। क्योंकि ये आज़ादी के पहले भी आप देखेंगे यही उभर के आए, यही सामाजिक न्याय की मांग करने लगे, सवाल खड़ा करने लगे, उनको चैलेंज करने लगे। तो जो लड़ने के लिए आएगा लाठी वही पहले खाएगा। तो इसलिए ये इस तरह की बातें करना कि अंसारी का संगठन बन गया ये अशराफ की तरफ से है, ये सब रूमर उड़ाते रहते हैं आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। उस्मा खातून का सवाल है कि मुस्लिम अपने कल्चर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी आपकी ही संगठन के एक सदस्य ने पोस्ट किया था जो बाबरी मस्जिद के फैसले से खुश हैं, वो वैसा मुसलमान है जैसा मुसलमान भाजपा चाहती है। देखिए उज्मा खातून जी, ये एक मुस्लिम सांप्रदायिकता, अभी मैं बहुत देर से इस पर बात कर रहा हूँ, ये उसी का कहीं ना कहीं वो है कि वो हिंदू मुसलमान के बाइनरी पे हमको समझा ले जाते हैं, हमारी रोजी रोटी के मसाइल को दबा ले जाते हैं। बाबरी मस्जिद कभी हमारा वो नहीं रहा है उज्मा जी, आप इस बात को समझिए। पसमानदा आंदोलन ने उसी वक्त बाबरी की जगह बराबरी का आंदोलन चलाया था कि हमें बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए। अब बाबरी मस्जिद में इमाम साहब कौन बनेंगे? बाबरी मस्जिद के नाम पर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड बना है मस्जिद बनाने के लिए, वो जो इतने ज़मीन कोर्ट ने दिया है उसमें कौन बना है वहाँ पर? तो जिस भाजपा को जिस तरह का मुसलमान चाहिए, भाजपा को किस तरह का मुसलमान चाहिए ये उसको डिस्क्राइब करें। देखिए हम सामाजिक न्याय की बात है, जो गुलाम है उनको आज़ाद करने की बात है, मुख्य धारा में लाने की बात है। अब हम इस्लामिक धर्मावलंबी हैं, व्यक्तिगत होता है, मेलकम एक्स के मैं तायद करता हूँ इस मामले में कि मज़हब काफ़ी पर्सनल होता है। हम जो है मज़हब में भी इस्लाम में कौन से मुसलमान हैं, भाई देवबंदी हैं, बरेली हैं, वहाबी हैं, सूफीज़म वाले कौन से, ये आपका पर्सनल अकीदा है, जिसको मानना है मानिए, लेकिन यहाँ सामाजिक न्याय की बात हो रही है। और बाबरी मस्जिद कभी हमारा नहीं, हम बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारा है। उज्मा जी मैं समझता हूँ कि काफ़ी वक्त हो गया, तकरीबन 1 घंटे होने को हैं, अगर और किसी के पास सवाल है तो वो पूछ सकता है, वरना मैं समझता हूँ कि अब इसको समाप्त करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। मैं 10-20 सेकेंड इंतज़ार कर लेता हूँ, अगर किसी के पास कोई सवाल है या जिसने सवाल पूछे हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो फिर से अपने सवाल रख सकता है, या मुझे इसी पे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे पसमानदा डेमोक्रेसी की तरफ से वो सवाल मिल जाएंगे, मैं बाद में उसका आपको जवाब दे सकता हूँ। आप अपने संगठन के प्रमुख सदस्य के FB पोस्ट देख लें,
आप उनको भी अपनी बात समझाएं। फिर देखिए ऐसा है, समझे समझनाने काम चल रहा है, हमारे जो भी पदाधिकारी हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी बात करते हैं और एक आंदोलन में हैं, लड़ाई में हैं, वो एक हम सोशल न्याय की, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भूल चूक भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, वो बहुत कोई बड़ा इशू नहीं है खातून जी, अगर आप हमारी बात समझ रही होंगी। लेकिन जो है, जो सच्चाई है वो ये है कि अशराफ हमारा खुला हुआ दुश्मन है, न सिर्फ हमारा दुश्मन है बल्कि इस राष्ट्र का दुश्मन है। उसने इस देश को ऑलरेडी कई हिस्सों में बांट चुका है, अब उनको कश्मीर भी चाहिए, वो अभी भी इस देश को घुन की तरह खा रहा है, खोखला करने पर लगा है। उनका सबसे बड़ा टूल है वो धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता है, जिसके रिस्पांस में दूसरे लोगों के अंदर धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता जन्म लेती है। आप देखेंगे दंगे में लेके, मॉब लिंचिंग से लेके, हम ही हर जगह पसमानदा ही मारा जाता है और पसमानदा को ही आगे किया जाता है। ये एसी में बैठ के डिसीजन लेते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ट्वीट है एसी में बैठ के किया गया है कि हेजिया सोफिया की तरह हम इसको फिर बहाल कर लेंगे, आप समझ रही हैं है? और पसमानदा यही हेजिया सोफिया की जगह जगह कहेगा, पुलिस आके उसको उठा के ले जाएगी और हजरत राज्यसभा चले जाएंगे, मोदी के साथ बैठ के चाय पियेंगे। तो ये बहुत दिनों से चल रहा है, अब ऐसा नहीं है, हम अपनी बात उठाते रहेंगे मरते दम तक, हमें उसका कुछ भय नहीं। अगर हमारे साथियों में कुछ इस तरह की जो कन्फ्यूज़न होता है, तो ये अगर कोई साथी चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि कन्फ्यूज़न तब हो रहा है जब वो मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है आगे आने की। उज्मा जी मेरी बात आप समझ रही होंगी, तो उसमें कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इसको आपको बहुत फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो इस तरह की बातें होती हैं वो हम समझ बूझ लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। बात यह है कि एक बाइनरी है अशराफ की, पसमानदा की, पसमानदा गुलाम है और न सिर्फ पसमानदा बस की अशराफ कहीं ना कहीं इस देश के पूरे जनमानस को, इस देश को पूरे घुन की तरह खा रहा है। जी मैं समझता हूँ कि समय भी बहुत हो गया है और बात ख़त्म करनी चाहिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो क्वेश्चन मुझे यहीं दे देगा, मैं उस क्वेश्चन का फिर जवाब लिख दूंगा और वो जवाब जो है पसमानदा डेमोक्रेसी के ज़रिए से आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन से हमारा आंदोलन बिल्कुल नहीं घबरा, आप खूब सवाल पूछिए, खोल के सवाल पूछिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर सवाल पूछिए, निडर होकर सवाल पूछिए। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात कह चुका, मैं एक बार फिर से पसमानदा डेमोक्रेसी का, कि उसने बहुत ही गंभीर मुद्दे पे और बहुत उलझे हुए मुद्दे पे मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात को ढंग से कह सका हूँ, कोई भूल चूक हुई तो मैं उसके लिए कोशिश करूँगा कि वो आगे सुधर जाए और जिसके सवालात या क्वेश्चंस रह गए वो फिर हमें दे देगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे माहौल में और हम जैसे लोगों को मौका दिया पसमानदा डेमोक्रेसी ने अपनी बात कहने के लिए, और ये बहुत साहस भरा काम था कि वो हम जैसे लोगों को बोलने के लिए अपना मंच प्रदान करता है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय पसमानदा।